दोस्तों, बिजनेस बहुत होते हैं, कारोबार बहुत होते हैं, लेकिन बिजनेस उन्हीं का चलता है जिनके बिजनेस का आइडिया बेहतरीन होता है, पूंजी भी ठीक ठाक लगी होती है, लेकिन उनके अंदर बिजनेस के अंदर कुछ इस प्रकार का ट्रिक लगा होता है, कुछ आइडिया काम कर रहा होता है, कुछ ऐसा तरीका होता है जो उनके बिजनेस को खास बनाता है। मेरे एक साथी ने मुझसे पूछा कि अगर आप फास्ट फूड कॉर्नर डालेंगे तो जो सामान होते हैं, जैसे चाउमीन फास्ट फूड कॉर्नर में होते हैं या जो भी आइटम्स होते हैं, उसका रेट किस प्रकार रखेंगे। मैंने बोला अगर मार्केट में वो 60 रुपये में बिक रहा होगा तो मैं उसको 30 रुपये में बेचूंगा। तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों करेंगे, हर कोई कमाने आता है, आप ऐसा क्यों करेंगे। मैंने उसको बताया कि अगर मुझे अपने दुकान को चलाना है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, तो मुझे उनको कुछ खास देना होगा जो बाकी लोग उनको नहीं दे रहे हैं। और आज के डेट में खास अगर उनको फ्री में देते हैं कोई चीज़, अगर उनको इस तरह का सपोर्टिव देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, या फिर अगर सस्ती देते हैं, वो आपके पास जरूर आएंगे। क्वालिटी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, क्वालिटी बेहतरीन देनी है, लेकिन अगर इसी बीच में उनको बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ अगर सस्ती कीमत पे आप उनको उपलब्ध कराते हैं, निश्चित रूप से वो आपकी दुकान की तरफ आएंगे। दोस्तों, आज मैं एक ट्रिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, उसको आप जल्दी से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि क्या है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर किसी एक बिजनेस को उठाता हूँ, आप चाहे किसी भी बिजनेस को कर रहे हो, आप इस ट्रिक के बारे में विचार कर सकते हैं, उसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर आपको रिस्क नहीं लग रहा है। तो मैं बताऊं कि अगर आपने एक कपड़े की दुकान खोल रखी है, कपड़े में आप बॉयज गर्ल्स लेडीज जेंट्स हर प्रकार के कपड़ों को रखा है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने टॉप रखा है, जींस रखा है, अगर आपने कुर्ती नाइटी रखा है, या फिर टी शर्ट है, लोअर पैंट है, या फिर शर्ट है, जो कुछ भी आपने रखा है, कोई भी चीज आप रख सकते हैं, उसको आपने रख लिया। आप जानते हैं कि एक कुर्ती के पीछे आपको तकरीबन 150 रुपए की बचत होती है, नाइटी के पीछे 170-180 रुपए की बचत होती है, जींस के पीछे तो हेवी बचत होती है, तकरीबन 400-500 रुपए तक की बचत होती है, साथ साथ 100-1200 रुपए की बचत होती है। अगर बढ़िया जींस अगर आपने मार्केट से उठाया है तो टॉप के पीछे भी आपको तकरीबन 100 रुपए की बचत होगी ही होगी। शर्ट जो आप देख रहे हो उसके पीछे 100-150 रुपए की बचत होती है, पैंट के पीछे भी 200 रुपए तक की बचत हो जाती है। यानी जो भी कपड़े आप देख ले रहे हैं उसमें आपको कम से कम 100 रुपए की बचत तो निश्चित रूप से होने वाली है। अभी ट्रिक क्या लगाना है दोस्तों, मैंने एक मूवी में देखा था, इरफान खान की वो मूवी थी, उसके अंदर स्कूल में बच्चों के एडमिशन के समय एक ऐसा मटका रखे रहते थे शीशे का, उसके अंदर वो कुछ पर्चियां रखते थे, पर्चियों के ऊपर वो नाम लिख देते थे स्टूडेंट्स, जिनका नाम उसमें से निकलता था उनका एडमिशन होता था। तो उस मूवी को आप जाकर देख सकते हैं, उस आइडिया को अगर यहाँ फिट किया जाए तो क्या होगा। जैसे आप जान रहे हैं कि आपको हर एक कपड़े पर कम से कम 100 रुपए की बचत तो निश्चित हो रही है, 90 रुपए की भी नहीं, 100 रुपए से ऊपर की ही बचत हो रही है, आप ऐसे ही कपड़े को रखे हुए हैं। अभी दोस्तों आप क्या कीजिए कि बहुत सारे व्हाइट पेपर आप छोटे छोटे साइज के ले लीजिए, उस पर आप अमाउंट अपने से लिख करके उसको मोड़ दीजिए, और उसको कम से कम आप भारी संख्या में लिखे, कम से कम इतना लिख लें, आपको जब भी टाइम मिल रहा है आप लिखते रहें और उसके अंदर डालते रहें। आप क्या कीजिए कि सेम सेम अमाउंट में अगर 400 पीस अगर आपने 100 रुपये लिखा है, उसी तरीके से आप 400 पीस या 500 पीस आप लिख दीजिए, 90 रुपया, 400 पीस 80 रुपया, 85 रुपया, 70 रुपया, हर एक कागज पर लिख लिख के फोल्ड करके लिखिए। ये आप बार बार तकरीबन 400 पेजों पर छोटे छोटे टुकड़े पर आप 400 लिख के उसको फोल्ड कर दीजिए कि बाहर वाले को दिखाई ना दे। उसके बाद आप फिर 400 उठाइए, उसके ऊपर आप लिखिए 80 रुपये आपने लिखा, उसके बाद आपने 100 रुपये लिख दिया, उसके बाद आपने 20 रुपये भी लिखा है, 30 रुपये भी लिखा है। अभी उसको फोल्ड करके एक बढ़िया शीशा का मटका एक आता है, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में, कलरफुल, उसके अंदर उसने एक बार में आपने रख दिया सबको। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, कलर पेपर जो आता है, पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा आता है रंगीन, उसको आप लेकर के हरा, ब्लू, गुलाबी, उजला, काला, सब तरीके का आता है, काला नहीं, उसी में जो और कलरफुल येलो होता है उसको आप ले लीजिएगा, उसके अंदर लिख लिख के उस पर आप डालिएगा, तो वो खूबसूरत लगेगा, आपका जो शीशे का जो मटका होगा खूबसूरत लगेगा। अभी आपने जो पोस्टर बनवा रखा है उसके ऊपर बड़े बड़े बोल्ड बोल्ड लेटर में लिखा है कि अगर आप हमारे यहाँ से एक कपड़े की खरीदारी करते हैं तो आपको एक लॉटरी जीतने का मौका मिलेगा, अगर दो करते हैं तो दो लॉटरियां जीतने का मौका मिलेगा, 3 पे 3, 4 पे 4, 10 पे 10, जितना आप कर दीजिए। अब अगर कोई भी कस्टमर आपकी दुकान में आते हैं, अगर उन्होंने क्या किया, एक टी शर्ट खरीदा, 100-125 रुपए की बचत आपकी हो रही है निश्चित रूप से, अब आपने उनके सामने वो मटका रखा या मटका एक जगह प्लेस किया हुआ है, वहां पर सुरक्षित है, आप वहां पर जाते हैं, एक लड़का वहां पर है, आप खुद जाते हैं और उनको कहते हैं कि कोई एक पर्ची उठा कर लाइए और मुझे दीजिए। वो क्या करेंगे, वहां से पर्ची उठा कर लाएंगे, काउंटर पर देंगे, जैसे उन्होंने उस पर्ची को खोला उस पर लिखा था 80 रुपया, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया ही निकल सकता है जो कि आपके बचत के रेंज का है। अगर 100 रुपया निकल गया दोस्तों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे गुडविल बन गया, कस्टमर आपके तरफ अट्रैक्ट हो गए, वो समझ गए कि इस दुकान में आना बहुत लाभदायक है। आप क्या कीजिए, 100 रुपए की पर्ची थोड़ी कम कर सकते हैं, 80 रुपए तक रख सकते हैं, ताकि आपको कम से कम अगर 130 रुपए की बचत हो रही है तो आप 50 रुपए कम से कम बचा पाए 80 रुपए गिफ्ट देकर। अब जिन्होंने भी पर्ची उठाकर आपको दिया है उसके अंदर अगर 80 रुपए लिखा है
तो आप क्या कीजिए, 80 रुपया का या तो आप कोई सामान अपने दुकान में रखे हुए हैं वो उनको दे दीजिए। 80 रुपये का सामान अगर दीजिएगा तो वहां भी आपको 20-30 रुपये बचत हो जाएगी। लेकिन अगर आप 80 रुपया वो कैश आपसे लेना चाहते हैं तो आप उनको कैश दे दीजिए। जानते हैं आपकी दुकान का प्रचार शहर शहर में हो जाएगा, हर कोई समझ जाएंगे उस दुकान में जाओ, वहाँ लॉटरी जीतने का मौका आपको मिलेगा। सामान भी लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कागज का जब टुकड़ा उठाते हैं उसमें से जो भी रकम वहाँ लिखा होता है उतना कैश वो दुकानदार दे देता है। ये सुनकर पूरे शहर में ढिंढोरा पिट जाएगा कि आपके दुकान में जाकर सामान खरीदनी चाहिए। निश्चित रूप से ग्राहकों की भीड़ लगेगी। एक प्रोडक्ट पे आपको 100 रुपए की बचत हो रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक दिन के अंदर आराम से 50, 60, 100 पीस प्रोडक्ट आप बेच दीजिएगा। 100 पीस प्रोडक्ट एक दिन में बिक जाएगा। लड़कियां आएंगी, औरतें आएंगी, पुरुष आएंगे, लड़के आएंगे, बच्चे के आइटम भी खरीदने के लोग आएंगे। ध्यान रहे, हर प्रोडक्ट पे मिनिमम बचत 100 रुपए की होनी ही चाहिए ताकि आप 80 रुपए तक का कूपन वहां दे सके। बहुत बेहतरीन आइडिया है, इसको आपको लगाना चाहिए। मैं जो भी आइडिया आपको दे रहा हूँ काफी गहन रिसर्च करने के बाद ही आपको दे रहा हूँ। अगर आप वाकई इसको अप्लाई करेंगे निश्चित रूप से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, अगर 100 पीस कपड़े एक दिन में बिक जा रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक कपड़ा एक दिन में एक प्रकार का बिकेगा, नहीं, अगर 5 कुर्तियां बिक गई, 10 नाइटियां बिक गई, 5 टी-शर्ट्स बिक गए, इस तरह से अगर आपकी सेलिंग हो रही है तो 100 कपड़े पूरे हो जाने में सुबह से लेकर रात तक में कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं होगी। 100 कपड़े मिनिमम 100 रुपए की बचत है, किसी किसी पर 150, 200, 500 रुपए की बचत है। फिर भी मैं अगर मिनिमम 100 रुपए की अगर बात कर लेता हूँ, निश्चित रूप से आप एक दिन में 10,000 रुपए की कमाई करने वाले हैं। 12,000 रुपए तक जाएगा, क्योंकि अगर 100 कपड़े अगर आपने बेच दिए हैं तो 100 रुपए ही बचत नहीं है, किसी पे 150, 200 की बचत है, 12,000 रुपए आप एक दिन में अर्न करने वाले हैं। दोस्तों, ट्रिक ही है कि आपके बिजनेस के प्रॉफिट को निर्धारित करता है। तो आप इस ट्रिक को, इस तरीके को अपने बिजनेस के अंदर लगाइए और देखिए कि कैसे आपकी सेलिंग बढ़ जाती है। गांव के, शहर के हर एक चौक चौराहे पर ये बात फैला दीजिए कि अगर आप हमारी दुकान में खरीदारी करते हैं तो आपको लॉटरी जीतने का मौका मिलता है, आपको कैशबैक मिलता है। कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, लॉटरी तो मैं यूं ही बोल रहा हूँ, वहाँ कैशबैक आप लगा सकते हैं। कैशबैक सुनकर लोग आपके दुकान में जरूर आएंगे। दोस्तों, 12,000 प्रतिदिन, 1 महीने में 3.5-3 लाख रुपए की अर्निंग आप करेंगे मात्र कपड़े की दुकान से। कपड़े की बात नहीं है, आप जो भी दुकान चला रहे हैं उसमें आप अपने स्तर से ट्रिक को आजमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे कारोबार के बारे में अच्छे से रिसर्च करके इसको शुरू करने की आवश्यकता है, विचार कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, शुभकामनाओं के साथ, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।